हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे अनचार्टेड जो कि रिलीज हुई थिएटर्स में। मूवी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलती है। ओवरऑल लेंथ 2 घंटे की और ये एक वीडियो गेम का एडेप्टेशन है। मूवी में हमें नजर आते हैं टॉम हॉलैंड, मार्क वॉलबर्ग, एंटोनियो बैंडरस और सोफिया अली। इस मूवी की शुरुआत वैसे तो एक बहुत ही गजब का एक्शन सीक्वेंस से होती है, लेकिन उसके बाद पास्ट में चले जाती है जहां पर हमें नजर आता है नेथन अपने बड़े भाई के साथ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद नेथन का बड़ा भाई उसको छोड़कर चले जाता है। लेकिन अब 15 साल बाद नेथन न्यूयॉर्क में है। ये बारटेंडर भी है, साथ साथ एक बहुत ही स्मार्ट चोर भी है। लेकिन नेथन की लाइफ तब बदल जाती है जब इसकी जिंदगी में आता है विक्टर सुली। विक्टर चाहता है कि ये दोनों एक ऐसे ट्रेजर को ढूंढे जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस ट्रेजर के पीछे कुछ और लोग भी है। तो इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। देखो अगर मैंने तो उस गेम को खेला नहीं, तो अगर आप लोगों ने खेला तो आपको कैसा लगता है वो गेम मुझे जरूर बताना। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करें तो देखो टॉम हॉलैंड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट उनकी नो वे होम तो भाई किस लेवल की हिट मूवी थी वो तो सब लोगों को पता है। और टॉम हॉलैंड को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वही एक रीजन है कि मैक्सिमम ऑडियंस इस पर्टिकुलर मूवी के लिए उतनी ही डेस्परेट होगी जितने वो लोग टॉम हॉलैंड की दूसरी मूवीज के लिए होती है। और मार्क वॉलबर्ग को कौन भूल सकता है, वो भी गजब के एक्टर है। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी को देखे तो वो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है नहीं। सॉरी, सच बात तो ये है कि ये एक एवरेज एंटरटेनिंग मूवी है। बहुत जगहों पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मीट्स मिशन इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर एक्शन सीन्स की बात करो तो भाई कोई भी इंडस्ट्री हो वो लोग एक्शन इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि ऑडियंस एंटरटेन हो। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी के एक्शन सीन्स को देखें तो भाई एंटरटेन तो होती है लेकिन उसमें कोई सेंस नजर नहीं आता। मतलब हवा में इतनी ऊंचाई में आप खुद को बैलेंस कैसे कर सकते हो, मतलब यार। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट सीक्वेंस में देखने को मिले, नेक्स्ट में देखने को मिला है, जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी मूवी है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। जब हम लोग ऑप्शन शो में देख सकते हैं, जब हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेंचाइज में देख सकते हैं, तो भाई अनचार्टेड में क्यों नहीं। मूवी में जो बीच के मिडल पोर्शन है वो उतना ज्यादा एंगेजिंग है, उतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगा मुझे जितना के होना चाहिए था। उसके अलावा कैरेक्टर्स की बात करो तो उनको अच्छी तरह से लिखा, स्पेशली नेथन, उनके बारे में जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई ना कि आप एक इमोशनल बॉन्डिंग उससे बना सकते हो। और थ्रू आउट द मूवी नेथन ही एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको खुद के साथ कनेक्ट भी रखता है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, BGM अच्छा, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो टॉम हॉलैंड और मार्क वॉलबर्ग ने अपने हिस्से को बहुत अच्छी तरह से किया। लेकिन अगर एक और मूवी की नेगेटिविटी की बात करो तो वो है एंथोनियो बंदेरास। एंथोनियो बंदेरास को देखकर कुछ खास मजा नहीं आया। और मजा नहीं आया ऐसे याद आया कि भाई इस मूवी का जो विलन है वो कुछ स्ट्रांग नहीं लगा। मतलब क्या ही कहूँ मैं इस मूवी के विलन को लेकर यार। ओवरऑल फॉर मी इट्स एन एवरेज मूवी। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के इस पर्टिकुलर मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। मूवी के एंड में क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिससे इतना आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इसका सीक्वल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक एडवाइस दूं तो भाई ये मूवी को जितना हो सके अवॉइड करो थिएटर में ना देखने के लिए, क्योंकि इसमें अलग हट के कुछ भी नहीं, उल्टा इससे अच्छी अच्छी एडवेंचर इस मूवी पहले आ चुकी है। तो अगर आपके पास फिर भी पैसे खुजा है तो भाई जा सकते हो। ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो तुम लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।